आने वाले चुनाव में आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे मोदी जी। प्रधानमंत्री जी आप चौकीदार है तो देख लीजिए आँख खोल करके कि कितने लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। हम लोग का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग मतदान नहीं देने देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान करो या सत्ता छोड़ो। जो हमारा भुगतान करेगा हम पर राज वही करेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार कभी नहीं, ये उनका सपना है। उन्हें सत्ता से अगर नहीं हटाए तो हमारा तप जप संगठन का नाम नहीं। ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां आम जन लोगों का एक हुजूम उमड़ा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कैसे यहां पर लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में आए हुए हैं और ये अपनी मांगों को लेकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनका साफ तौर पर नारा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे किस बात का भुगतान चाहिए, किस बात को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग जो भारत सरकार का कानून है भट्स एक्ट 2019 ये कानून जो है इसमें ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून है जो पूरे भारतवर्ष में लागू है, जिसमें ये जिले के सक्षम अधिकारी जो है एडीएम फाइनेंस और डीएम को बनाया गया है। इसमें सक्षम अधिकारी जो भी जमा करता है वो अपना ठगी का शिकार जो भी हुए हैं जिस भी कंपनी से, सहारा है, पलतरू है, बीबीओर है, लाइफ क्योर है, कैमुना है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ठगी का शिकार हुए हैं, जैसे सहारा भी है। तो इन कंपनियों में जो भी जमाकर्ता ने अपना जमा धन जमा किया है और वो भुगतान लेना चाहते हैं तो अपने बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपने जिले के जिला अधिकारी के यहाँ अपना आवेदन कर सकते हैं। उसमें 180 कार्य दिवस में भुगतान के प्रावधान है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 42 लाख करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता है, इसे पीड़ित है। हम मोदी जी को भी बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग का भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कानून के तहत हम लोग का भुगतान अगर नहीं हुआ तो हम लोग आज से और अभी से हम लोगों ने ये आंदोलन चालू किया हुआ है कि जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग मतदान नहीं देने देंगे। और दूसरा, पहले भुगतान फिर मतदान, और हम पर राज वही करेगा। पहले भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हम पर राज वही करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा हम पर राज वही करेगा। हिंदुस्तान की सत्ता पर राज वही करेगा जो हमारा भुगतान करेगा। 300 कंपनियों को मोदी जी ने बैन कर दिया इस बॉट्स एक्ट कानून के द्वारा, जो ये बॉट्स एक्ट कानून का जो ये लगा है बैनर, इसके तहत कंपनी को बैन कर दिया और इसी कंपनी के तहत भुगतान गारंटी का अधिकार लोगों को दे दिया, जमाकर्ताओं का भुगतान का गारंटी अधिकार दे दिया। फिर भी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की क्या मंशा है जो आज तक निर्णय लेकर के हम पीड़ितों का भुगतान जिला स्तर से नहीं कर रहे हैं, जबकि जिले स्तर में इन्होंने सक्षम अधिकारी को नियुक्त किया है कि हमारा भुगतान होगा। और इसीलिए हम आंदोलन करने का उद्देश्य है कि हम लोगों का जो एक कानून उन्होंने बनाया है उनके सर्वसम्मति से बनी है 2019 में लोकसभा द्वारा, उस कानून को अनुपालना सुनिश्चित कराए और पूरे भारत के जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जो जिसके पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा का हरण करे भुगतान करके। आप कह रहे हैं कि मतदान नहीं करेंगे और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार कभी नहीं, ये उनका सपना है। वो मुंह से करते हैं जनता वोट देने वाली है, जनता सर्टिफिकेट देती है, जनमत सबसे बड़ा चीज होता है। और हम लोग में संकल्प कर चुके हैं जितने भी तप जप संगठन और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जितने भी सदस्य कार्यकर्ता हैं, हम लोग सभी लोग निर्णय ले चुके हैं कि अगर 2023 में मोदी गवर्नमेंट भुगतान कर देती है तो उनकी जय जयकार है, अगर नहीं करती है तो उन्हें सत्ता से अगर नहीं हटाए तो हमारा तप जप संगठन का नाम नहीं। आप स्वार्थी हो रहे हैं। मोदी जो है राष्ट्रहित में काम करते हैं। राष्ट्रहित में काम करते हैं नहीं, उनकी कितनी बड़ी उपलब्धि है कि 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, 3 लाख कंपनियों को बंद बैन करके
एक चुटकी में 3 लाख कंपनियों को बैन कर दिया। अगर कोई चीज हमें अनियमित पाई जाती है, हमारी गाड़ी अगर अवैध पाई जाती है, तो गाड़ी को प्रशासन सीज करे, फाइन करे, फिर हमारा गाड़ी छोड़े, हम उसका फाइन देंगे, जाली करें। तो कंपनियों को कोई फ्रॉड पाया गया, उसकी कंपनी को बंद कीजिए, उसकी जुर्माने लगाइए, और उसकी जितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट है, जो लोगों का पैसा गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड किया है, उनको पैसे का भुगतान कराइए। ये कहाँ का नियम है कि बंद करके लोगों को खत्म कर दीजिए, करोड़ों लोगों की हत्या कर दीजिए, इसके लिए सबकी संपत्तियों का, और बोलते हैं कि मैं देश का प्रथम चक्रधार हूँ। चौकीदार को दिखाई नहीं देता है, इतने लोग पीड़ित है। प्रधानमंत्री जी, आप चौकीदार है तो देख लीजिए आंख खोल करके कि कितने लोग यहाँ पर पीड़ित हैं और आए हुए हैं दिल्ली के रामलीला मैदान। बिहार से आए हैं और भी गोपालगंज जिले से, हम लोग गोपालगंज जिले से आए हैं, जो क्रांतिकारी क्षेत्र है, जहाँ से पहला राष्ट्रपति दिया था इस देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस भूमि से हम लोग हैं। और कुछ लोग दावे करते हैं कि जब तक इस सरकार हम लोगों का भुगतान नहीं करेगी, हम लोग सत्ता से बाहर कर देंगे इस मोदी गवर्नमेंट को। 40-50 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी यदि हमारा, जब तक पूरे उसका भारत का भुगतान नहीं होगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे यदि मोदी इसके खिलाफ होगी। संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जमाकर्ता परिवार जिंदाबाद। मैं विष्णुदेव ओझा, गोपालगंज जिला बिहार से। हम लोग हजारों की तादाद में यहाँ जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री जी से अपने मांग को रखने आए हैं। प्रधानमंत्री जी एक वीडियो के माध्यम से बोले हैं कि हमने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, नॉन बैंकिंग कंपनियों को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोई छू तक भी नहीं बोला। लेकिन उसी पर हम सवाल करना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी से कि आपने 3 लाख कंपनियों का बंद तो कर दिया, लेकिन इन इन कंपनियों में किसी मजदूर, अब किसान की बात करते हैं, वही किसान अपने खेतों में काम करता है, अपने पेट काट करके 2 पैसा बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपने छत पर नीचे रहने के लिए, उसके मकान बनाने के लिए पैसा बचा करके इन आपके दी हुई लाइसेंस पर इन कंपनियां काम करती है। आपने चिट फंड कंपनी को लाइसेंस देता है, उसमें हम लोग काम करते हैं। जब ये कंपनियों के पास काफी अरबों रुपया हो जाती है, तब आपने इन बर्ड्स एक्ट कानून बना करके सभी कंपनियों को बंद कर दिया। लेकिन उसी बर्ड्स एक्ट कानून जो है, उसी कानून के तहत आपने यह भी कानून में कहा है कि आप प्रत्येक जिला के एडीएम, डीएम, सक्षम अधिकारी कार्रवाई करते हुए सारे कंपनियों को संपत्ति को सीज करके, नीलाम करके और निवेशकों को भुगतान करेगी सक्षम अधिकारी। तो आज आपका कानून तो मना दिए हैं, लेकिन उस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग जंतर मंतर के माध्यम से हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि 2023 में हम सारे पीड़ित लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले चुनाव में आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मोदी जी, अगर आपने 2023 में भुगतान कर दिया तो हम लोग आपके साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। आप बिहार से आए हैं, बिहार के लोग, बिहार में ही लोग जो है मोदी और योगी की डिमांड में चल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बिहार में योगी और मोदी जैसा होता, अगर कार्यकर्ता होता, तो बिहार की ये हालत ना होती। बिहार की, अरे बिहार की हालत तो एक केंद्र अभी तक सौतेला व्यवहार करता आया है, केंद्र सरकार अभी तक सौतेला व्यवहार करता आया है जी। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू ने इनको दूसरी बार प्रधानमंत्री में अपना संगठन एनडीए में शामिल होकर के दिया और विशेष राज्य का दर्जा मांगा प्रधानमंत्री जी से, लेकिन प्रधानमंत्री जी आनाकानी करने लगे, धोखा दिया, बातों से मुखर गए। और हम, मैं उस पर राजनीति पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ और मुझे करोड़ों रुपये मेरे द्वारा ठगा गया है। और यही गत 15 अगस्त 2022 को दिल्ली के प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, कि एक एक को पैसा लौटाना होगा। सारे कंपनियों ने जो जेब भरने का काम किया, उनका पैसा लौटाना होगा पाई पाई। क्या मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, केवल आपका भाषण तक रह गया, जो पवित्र
पवित्र भूमि और पवित्र जगह जो दिल्ली के प्राचीर है, लाल किला है, वहाँ से आपने भाषण दिया। क्या इसी का नतीजा है कि एक साल होने जा रहा है, आज तक व्हाट्स एप की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की, अपने वचन से मुकर रहे हैं? हम लोगों ने बहुत भरोसा किया और आपको जनादेश दिया और आपको बहुमत से ज़्यादा बहुमत दे करके प्रधानमंत्री बनाया। आज उसी का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अभी भी अगर हमारी आवाज़ आपकी कानों तक मीडिया के माध्यम से जाती होगी तो आप भारत के 42 करोड़ जनता पर तरस कीजिए और इस व्हाट्स एप कानून की अनुपालना सुनिश्चित करा करके प्रत्येक जिला अधिकारी द्वारा भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित कराइए, जिससे इस देश का कल्याण हो सके, इस जनता की भला हो सके। क्योंकि आप ही के रिजिट में हजारों लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। आज जो दबंग जो निवेशक हैं, वो निवेश करता है, वो जो भी कर्ज करता लोगों को गोली मार दिए हैं। कितने लोगों को जमीन हड़प लिया गया है। आज वो लोग को रोजगार से बेरोजगार बना दिया गया है जी। हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने कई कई बार लोगों को अपनी मन की बात को सुना दिए हैं, लेकिन आपने कभी इन पीड़ित परिवार का कभी मन की बात नहीं सुने हैं। हमारे कितने निवेशक, कितने इसमें कार्यकर्ता साथी अपने जान को गंवा चुके हैं, मौत को गले लगा चुके हैं, और आपके जो बिकी हुई हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हम इसमें को कहते हैं कि हमारी आवाज़ को लोग अपने बड़े बड़े टीवी चैनल वालों को, मैं कह रहा हूँ मीडिया वालों को कि आप लोग हमारे आवाज़ को नहीं उठाते हैं। आप लोग भी सरकार के दबाव में आकर के ये क्या कर रहे हैं? आप लोग इस देश की चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप लोग हमारे आवाज़ को उठाइए, और आप मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप हमारे भी मन को बात को सुनिए और हमारी पीड़ा को समझिए। अगर इस बार पीड़ा को नहीं समझे तो हम लोग 42 करोड़ जमाकर्ता ये मन बना लिए हैं कि अब की बार किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के जुमलेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोग इस अगर 2023 में भुगतान नहीं होती है तो हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर सुना आपने, ये आम जन की आवाज़ है। मोदी जी जो है बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे जाएं तो आम जनता जो है वो जो है परेशान है, और इस परेशानी को जब नहीं सुनता कोई तो वो आम जनता जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर अपना आवाज़ उठाने का काम करती है। वहीं अगर मीडिया की बात करें, जो नेशनल मीडिया है, टीवी चैनल्स है, उन्हें मोदी भक्ति करने से फुर्सत नहीं है। आम जनता की कोई आवाज़ सुनने को नहीं चाहता, और अपनी वो मोदी से उन्हें मोदी का राग अलापने से फुर्सत नहीं है। और ये आम जनता जो है सड़क पर आकर कह रही है कि हमारी आवाज़ सुनो, हमारी बातों को सुनो, हमारे मुद्दों को जो है ऊपर तक पहुंचाओ, आम जन तक पहुंचाओ, ताकि लोग जाने, क्योंकि जनता जो है वो त्रस्त है। तो देखने वाली बात यह है कि 2024 में जो है वो क्या नया मोड़ लाता है, क्योंकि जनता जो है वो मन बना चुकी है। मोदी सरकार का बहिष्कार करने का पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है। आपको तय करना है, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।